બગસરામાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પાલિતાણા તીર્થયાત્રા પદયાત્રા સંઘ નીકળ્યો હતો, જે જૂનાગઢ ગિરનાર તરફ જતો હતો. તે ગિરનાર મહાતીર્થ પગપાળા યાત્રા સંઘે બગસરા મોટા મંજિયાસર પાસે એક વાડીમાં વિશ્રામ લીધો હતો, જેમાં 12,000 જેટલા પદયાત્રુઓ હતા, જેમાં ઘોડા, ઊંટ, હાથી, ઊંટગાડી, ઘોડાગાડી, ટ્રેક્ટર સહિતના વાહનો સાથે હોય છે. આ પડાવમાં રહેલા જમવા નાવા માટેની તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવે છે. આ પદયાત્રાનું આયોજન કંકુબાઈ ચૌહાણ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સ્થાનમાં દો શાશ્વત તીર્થ બતાવે ગયે હૈ और हिंदुस्तान के सौरठ देश में शत्रुंजय और गिरनार ये दो महान तीर्थ बताए, जहाँ पर अनंत जीवों ने अपने मोक्ष कल्याण को प्राप्त किया. अनंत जीव मोक्ष में गए, सिद्ध हुए. ये शाश्वत तीर्थ भूमि है. सिद्धाचल जी से पैदल यात्रा संघ चल रहा है गिरनार के लिए, और गिरनार की यात्रा करते हुए अपने आत्म कल्याण साधना के लिए वहाँ पर जुड़े हुए हैं. अंदर जगत के जीवों को जीव हिंसा का संदेश देते हुए यहाँ से संघ हमारा पूरा प्रयाण कर रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते ठेठ गिरनार तक पहुँचेगा. ये हमारा लक्ष्य है. मानव मात्र जगत के अंदर जियो और जीने दो, ये लक्ष्य है, और इस लक्ष्य का प्रेरणा उपदेश आगे देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं. इस संघ में कितने लोग हैं? 1,000 यात्री पैदल चल रहे हैं, जिसके अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, साउथ, दक्षिण इंडिया, भारत से कई प्रकार के लोग आए हुए हैं, और सभी यात्रा के लिए साथ में जुड़े हुए हैं. व्रत, पचकांड, तप, त्याग, नीति नियम करते हुए अपनी यात्रा को कर रहे हैं, और गिरनार की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं. कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं? प्रतिदिन 12-15 किलोमीटर की इनकी पद यात्रा हो रही है, और यात्रा करते करते एक एक मुकाम करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं. किस दिन तक पहुँचेंगे? 4 जनवरी को गिरनार पहुँचने का प्रोग्राम है. अच्छा. और 6 जनवरी तक वहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद पुनः वहाँ से प्रस्थान करके सौराष्ट्र के अंदर ही पालीतना का पैदल संघ अयोध्यापुरम से निकलेगा. वहाँ उस संघ के अंदर फिर हम जाके हमारी निष्ठा